युवक की मारपीट का वीडियो वायरल होने पर होमगार्ड सैनिक और ड्राइवर सस्पेंड, मुकदमा हुआ दर्ज। घटना से नाराज विधायक प्रीतम लोधी ने की थी इस्तीफे की पेशकश। शिवपुरी जिले के होमगार्ड सैनिक के द्वारा एक युवक की रस्सी से बांधकर मारपीट और विधायक के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का वीडियो वायरल होने के बाद उक्त वीडियो पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौर के संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना को गंभीरता से लिया गया एवं SDOP पिछोर प्रशांत शर्मा को उक्त प्रकरण की सत्यता की जाँच करने हेतु निर्देशित किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजीव मूल्य के मार्गदर्शन में SDOP पिछोर द्वारा उक्त प्रकरण की जाँच की गई, जिसमें होमगार्ड सैनिक सुरेंद्र सिंह एवं VVG कंपनी द्वारा नियुक्त डायल 100 वाहन चालक अजय योगी उक्त प्रकरण में सम्मिलित होने से दोनों के विरुद्ध थाना मायापुर पर अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। चूंकि उक्त कृत अनुशासनहीनता को भी प्रदर्शित करता है, सैनिक सुरेंद्र सिंह पुलिस कर्मचारी न होकर होमगार्ड का कर्मचारी होने से पुलिस अधीक्षक द्वारा होमगार्ड कमांडेंट AK शुद्ध को अवगत कराया गया, जिस पर से होमगार्ड कमांडेंट द्वारा उक्त सैनिक को निलंबित किया गया है एवं डायल 100 वाहन चालक के संबंध में सूचना VVG कंपनी प्रतिनिधियों को दी गई, जिनके द्वारा वाहन चालक अजय योगी को भी निलंबित किया गया है। जी, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जो नगर सैनिक दिखाई दे रहा है वो थाना मायापुर में पदस्थ था और 2 से 3 दिन पहले एक गांव वालों ने सूचना दी थी डायल 100 पर, जिसके पालन में मौके पर पहुंचा था और वीडियो में ये दिखाई दे रहा है कि वो एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहा है, वो अपशब्द भाषा का भी प्रयोग कर रहा है। उसका यह कृत्य बहुत ही अनुशासनहीनता की श्रेणी का है, गंभीर प्रकृति का है, जिसमें हमारे द्वारा संबंधित जो सैनिक है और जो FRV वाहन का चालक है उसके खिलाफ मारपीट और सुसंगत धाराओं में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसके अलावा विभागीय अनुशासनात्मक जो कार्रवाई होती है उसके पालन में जिला सेनानी होमगार्ड शिवपुरी द्वारा उसको निलंबित किया जाकर शिवपुरी में संबद्ध कर लिया गया है।